हेलो टीचर, सुनाई देती है कि नहीं? मैं तो एक दफा बाहर आ गई, लेकिन कह रही मुझे एक दफा बाहर जाइए, दोबारा नहीं आई। घर वाले कहते हैं रोज आती है। हाँ जी, इधर तेरी फाद में अकेली बैठी हुई, कोई भी नहीं है, भाई भी नहीं है, पापा भी नहीं है, मम्मा भी नहीं है, अकेला बैठा हुआ है तरीन फातिमा। तरीन फातिमा कोई भी नहीं है, छप चले गए, अकेला बैठा हुआ। तोता किधर गया? तोता तोता किधर गया? तरीन फातिमा तोता किधर गया? तोता 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 किधर गया? कन्नी बच्ची। ये अकेली है अब, मेरे बेटे बैठे हुए थे इसके साथ, वो मैं आया तो बाहर भाग गए डर के, शोर डाला हुआ था उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं आप भी सब खैर खैरियत से होंगे, और अल्लाह पाक आपको सब को जान भी रखे, खुश और आबाद रखे, और आपको दुनिया और जान की तमाम नेमतें अता फरमाएं। शुरू करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग। जैसा कि मैंने कल आपको व्लॉग में बताया था कि इसके जो पापा हैं और इसके भाई गांव में गए थे तो उनका एक्सीडेंट हुआ, और दूसरी जो बात बताई थी मैंने कहा था कि यहाँ पे वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो हकीकत है। रात को बंदा जब आवाज़ें तो हकीकत में ही आती हैं, रात ऐसे लगता है रात के में जब सब लोग सो जाते हैं ना, तकरीबन 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद ऐसे लगता है कि जैसे औरतों की भी आवाज़ें आ रही हैं, लोगों की भी आवाज़ें आ रही हैं, बर्तनों की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई कुछ बना रहा हो या ऐसे शोर सा सुनाई देता है। लेकिन वो मैंने रात को वीडियो बनाने की कोशिश की थी कि मैंने कहा वीडियो में शायद आ जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा शोर नहीं होता, हल्का हल्का सा होता है, तो वो वीडियो में ना रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो अगर वो रिकॉर्ड होता तो मैं ज़रूर वो वीडियो लगाता, लेकिन है सही। आज मैं पता करता हूँ इंशाल्लाह एक बंदे से, वो जो कहेगा फिर उसके हिसाब से देखते हैं क्या बनता है इस बार। मिनी फातिमा की कदी भी पापे, मिनी फातिमा पापे ना बैल वेखन का बड़ा शौक है मेरी जी, इतने बैल वेख रहे हो ना, मेरी बेटी पीछे पड़ जाती है और बैठ जाती है आराम से, आकर बैठ जाती है, लेटे हो तो साथ में लेट जाएगी, बैठे हो तो साथ में बैठ जाएगी, कहते हैं बस मुझे भी दिखाओ, तूनता दिखाओ तूनता, बस क्या देखती हो मन्नो, क्या देखती हो बताओ तो सही, तूनता मेरा बेटा तूनता देखता, तूनता दो शिंगी वाला बेटा टूंटा देखता है ना मेरे बेटा टूंटा। साढ़ा तरीन फातमू सौंग गया भाई, चेक करो फीडर नो हाथ चढ़ाते रहो ना शूच भाई, तरीन फातमा पानी खुलिया फूट गए। मेरे से ज़्यादा वो बातें ना मेरी बेगम को सुनाई देती हैं, क्यों बेगम ऐसा ही सुनाई देती है? बेगम बताओ तो सही, सुनाई देती हैं बताओ ना, सुनाई देती है वो चीज़, इधर देखो सही बताओ तो सही। हेलो चीज़ें सुनाई देती है कि नहीं? मैं तो एक दफ़ा बाहर आ गई, लेकिन कह रही मुझे एक दफ़ा बाहर जाइए, दोबारा नहीं आई, घर वाले कहते हैं रोज आती है। हाँ जी, इधर दो बाहर मुझे, किसी ने भी नहीं, इधर दो। मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, नज़ला बुखार जिसम दर्द, और जैसे आपको पता है कि हर बंदे को यही हो रहा है, नज़ला जुकाम और बुखार और जिसम दर्द। मेरी वालदा का भी रात से वही है, कुछ सही रात सोई भी नहीं है, तो अभी दवाई वगैरह लेके आए हैं, दी है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी कोई देसी इलाज जो है ना वो करते हैं इंशाल्लाह, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना भाई? डॉक्टर आया कोई? आया अंधे में भाई, दवाई की कई लाया ठीक है ना, क्या जा फिर डॉक्टर के पास गई है, मैं इंजेक्शन भी लगाया और दवाई भी दी है,
अभी देखते हैं कि होता है कि नहीं, ये पता फिर देसी इलाज जो है ना उससे ये फिलहाल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि देसी इलाज जो होता है ना वो ठीक होता है, देखते हैं ठीक होती है तो ठीक है, तो फिर वो देसी इलाज जो है ना वो करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस तरह ठीक नहीं हो रही है। बीमार तो आपको पता है बारिश तो हुई नहीं, पूरी सर्दी हो गई, सर्दी पूरी सर्दी नहीं बारिश हुई, इस वजह से ना काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, जब तक बारिश नहीं ना होगी तो सब ऐसा चलता रहेगा, हर बंदा बीमार होता रहेगा, बच्चे बड़े हर बंदा यही हो रहा है।